हमीरपुर जिला के पक्काब्रो में आज वाहनों की पासिंग की तथा साथ ही लाइसेंस भी बनाए गए। 8 से 10 स्कूल बसों की व 20 से 25 टू व्हीलर प्राइवेट कारें और कुछ ट्रकों की भी पासिंग की गई। 31 मार्च तक वाहन चालक अपनी गाड़ियों की पासिंग करवा सकते हैं। वहीं एमबीआई अभिषेक ने बताया कि जिन स्कूल बसों की हैंड ब्रेक ठीक नहीं है उनको जालंधर भेजा जाएगा और उनकी हैंड ब्रेक ठीक करवाई जाएगी। एमबीआई अभिषेक ने बताया कि आज पक्काब्रो वाहनों की पासिंग की जा रही है तथा साथ ही लाइसेंस भी बनाए गए, जिसमें दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 31 मार्च तक का समय वाहनों की पासिंग के लिए दिया था, जो कि अब खत्म होने वाला है। इस कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों की पासिंग करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ स्कूलों की बसों की हैंड ब्रेक ठीक नहीं थी, जो वाहन चालकों को कहा गया था कि लोकल में ठीक नहीं करवानी बल्कि जालंधर में उनको ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जो आज स्कूल की बसें आई हैं, अगर उनकी हैंड ब्रेक ठीक नहीं होगी तो उनको भी जालंधर भेजा जाएगा। आसपास गाड़ियाँ आई हैं, 8 से 10, 10 से 12 स्कूल की बसें आई हुई हैं जो जिनकी पासिंग होनी है, और बाकी ये जो टू व्हीलर जो ये लाइन में लगे हुए हैं ये 20 से 25 टू व्हीलर हैं, प्राइवेट कारें हैं, कोई 20-25 आज प्राइवेट कारें हैं और बाकी ट्रक हैं और बसें हैं, स्कूल बसें भी हैं और कुछ प्राइवेट बस वालों भी आए हुए हैं। और अब ये रश ज़्यादा लगा होने क्योंकि पहले तो लॉकडाउन की वजह से रश नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग पासिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 31 मार्च तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई थी कि 31 मार्च तक क्या होगा कि भाई उनको पासिंग की जरूरत नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले भी जाएँ तो उसके ऊपर कोई चलान नहीं था, लेकिन अब क्या है कि अब आज ऐसे ऐसे 31 मार्च नज़दीक आ रहा है तो अब लोगों को पता है कि गाड़ियों की जो पासिंग जिनकी पेंडेंसी पड़ी अब कराने पड़ेगी, क्योंकि जो पिछले एक साल से गवर्नमेंट राहत दे रही थी 3-3 महीने करते 31 मार्च तक, पिछले 31 मार्च से इस मार्च के 31 मार्च तक अब खत्म हो जाएगी। अब लोगों को फीस जब डिपॉजिट करा के सारे टैक्स टुक्स कटा के अब तो मतलब पासिंग करवाने पड़ेगी और उसी वजह से आज पासिंग है और ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा। स्कूल की बसें जैसे पिछली बार भी कईयों की हैंड ब्रेकें ठीक नहीं थी तो हमने उनको बोला कि यहाँ लोकल नहीं करवानी है, जैसे यहाँ पे पक्काब्रो में या फिर और भी जो लोकल जो हैं, मैंने उनको कहा कि आप जलंधर ले जाओ और जलंधर में उनकी हैंड ब्रेक जो होती है ना वो पूरी वहाँ पे अच्छे से उनकी वहाँ पे लेटेस्ट पार्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ जो पुरानी बसों के पार्ट्स नहीं मिलते तो उनको हमने डिफेक्ट में भेज देते हैं। फिर वो उनको होते हैं कि जलंधर से स्कूल वालों को इनको जो ड्राइवर और ये जो आते हैं साथ में इनको बोल दिया जाता है कि आप अपने प्रिंसिपल को लो कि जलंधर लेके जाओ। फिर इस आज भी आई हैं कुछ जो स्कूल की बसें आई जो जिनको पिछली बार डिफेक्ट लगे थे, फिर उनको आज हम दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ वो ब्रेक उनके हैंड ब्रेक पे ठीक लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं।